दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पांजलि राजू आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में बहुत खास जानकारियाँ देने वाला हूँ, जैसे कि आप सेंडर में प्लांट कैसे लगाएं। कुछ लोग बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि आप वीडियो बनाइए, तो मैंने वे बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो हर मेडिसिन हर रिपोर्टिंग पर एक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रहता। तो इसलिए कुछ जो जो बेहतर बेस्ट चीज है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, बाकी आपको बोल के समझा के बता के आपको तरीका देता हूँ। तो आज का वीडियो में आपको सेंडर में लगाने का वीडियो दिखाऊंगा और तरीका दिखाऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक जानकारी दे दें कि आज का वीडियो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोज प्लांट कितने प्रकार का आता है, वो पिछले कुछ वीडियो में मैं बताते जा रहा हूँ। दूसरा चीज, सेंडर में कैसे लगाएं। तीसरा चीज, क्या क्या जरूरी है आपको प्लांट में, वो मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को रोज प्लांट की भी जरूरत होगी अपने घरों वगैरह में गार्डन में लगाने के लिए, तो ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे रोज प्लांट मंगा सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कैटलॉग वगैरह कुछ डाल रखा है, उस वेबसाइट पे जाके हमारा कैटलॉग भी देख के ऑर्डर दे सकते हैं। जो भी आपको ऑर्डर देना होगा, मेडिसिन हो या रोज प्लांट हो या हिबिस्कस हो, एडेनियम है, और भी कई तरह की प्लांटें हैं, तो उसको आप हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पे ही ऑर्डर दे सकते हैं। अगर हम बिजी रहें, आपसे बात कॉल ना अटेंड कर सके, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज देके हमसे हमारा जवाब पा सकते हैं। जब भी मैं फ्री हूँगा उस वक्त मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा पूरा देखिए और कुछ जानकारी की बातें अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जब भी आप प्लांट लगाते हैं, तो प्लांट लगाने के 1 महीने 2 महीने के बाद आपकी मट्टी नीचे बैठ जाती है, टाइट हो जाती है। मिट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो धीमा स्लो पोषण हो जाता। अगर कभी आप ज़्यादा पानी डाल दिए तो आपकी रूट्स में पानी जाके ज़्यादा इकट्ठा होने लगा, जमने लगा। इस वजह से आपकी प्लांट में डाईबैक की प्रॉब्लम आने लगती है। तब उस पोजीशन में आपको करना क्या है, आपको कैसे अपने प्लांट को बचाना है। अगर आप प्लांट को नहीं बचाइएगा तो आपका प्लांट डाईबैक होके मर जाएगा, और मरने पर आपको जो दुख होगा वो आप जानते ही, कैसा दुख होता है मरने पर। तो उसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको कुछ मिक्सचर बना लेना है। जैसे कि 3 गमला मिट्टी लेना है 6 इंची के गमले में, और 1 गमला बालू ले लेना है। ये 2 महीने के बाद का मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने में बाद ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाती है, पानी नहीं निकलती है। तो वहां पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 गमला मिट्टी ले लेना है, 6 इंची के गमले का मैं बता रहा हूँ। तो 3 गमला मिट्टी, 1 गमला बालू जो घर बनाने के काम में आता है वो बालू, 2 गमला गोबर यानी काउडंग, ये 2 गमला होना चाहिए, और 1 गमला बर्मी कंपोज, और 2 चम्मच स्टेनलेस बोन मील, स्टेनलेस बोन मील रहना चाहिए। ये आपको 5 मिक्सचर का ये मिक्सिंग बना लेना है। ये मिक्सिंग बनाने के बाद आपको करना क्या है कि मिट्टी को साइड साइड से हटा लेना है, हल्का हल्का साइड साइड से सारी मिट्टी को कोड़ के निकाल लें, और हो सके तो गमला के सहित मिट्टी अलग हो जाए तो वो कर ले। अगर नहीं हो पा रहा तो उसको नहीं है, टैप रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक यह चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मिट्टी आप हटाएंगे तो जो मोटी मोटी जड़े हो वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो आपका प्लांट डेड हो जाएगा, मर जाएगा, और मर के खत्म हो जाएगा। मतलब कि टैप रूट जो मोटी जड़े होती हैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं ये फोटो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए नीचे की जड़ों में जो देख रहे हैं मोटे मोटे 3 ब्रांचेस निकले हुए हैं, वो टैप, ये देखिए मोटी जो ब्रांचे होती है नीचे की जड़ों की वो टैप रूट करते हैं, और पतली पतली वो होती है, देखिए टैप रूट जो है ना ये टैप रूट होता है। पतली जो रूट्स होती है उसको आप डिस्टर्ब करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और मोटी रूट्स को आप ये देख रहे हैं ये ज्वाइंट जो है, ये ज्वाइंट से ही डायबैक अगर हो गया तो आपको प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको आप केयरफुल्ली अपने प्लांट के मिट्टी की ड्रेनेज सिस्टम को सही रखेंगे ना, तो कभी नहीं आपको होगा। आपको जो डाईबैक होती है ना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको
दो तीन कारण से आती है। एक तो दूसरी जगह से आप प्लांट लेके आते हैं तो वो प्लांट में अगर डाईबैक लगा है और अपने प्लांट के साथ आपने रख दिया तो वो आपके सारे प्लांटों में प्रॉब्लम फंगस वगैरह फैलाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए बाहर की जो भी प्लांटें लाए तो अपने प्लांटों से पहले उसको दूर रखें, दो दिन तीन दिन एक दिन दो दिन दूर रखें, उसमें डाईबैक का फंगिसाइड अपना स्प्रे कर दें। राहुल मैं प्रेफरेंस करूंगा राहुल इंडोफिल कंपनी का, इसलिए कारण क्या कि उसकी फंगिसाइड बहुत अच्छा कारगर होती है, एक से दो बार में उसकी सारी जो प्रॉब्लम होती है दूर कर देती है। और भी कंपनी की बहुत सारी है, मैं किसी कंपनी को खराब नहीं कहूंगा, लेकिन जो प्रेफरेंस मैं जो करूंगा ये राहुल या इंडोफिल कंपनी की करूंगा, वो बेस्ट है। उससे क्या कि यूज आप कर लेंगे ना तो आपकी फंगस वगैरह जो भी अगर बाहर से आई हो या आपके प्लांट में लगी हो तो वो आपको खत्म कर देता है, हटा देता है, मार देता है। दूसरा चीज कि आप अपने गमले के साइड साइड से मिट्टी को हटा देंगे, मिट्टी को वही मिट्टी मत यूज करिएगा, मैं यही कहूंगा वो मिट्टी यूज नहीं करिएगा। कारण क्या है कि वो मिट्टी में आप बहुत सारे तरह के आपने फंगिसाइड स्प्रे केमिकल वगैरह जो भी आपने डाला है तो प्लांट की जो पावर होती है ना ताकत वो खत्म हो जाती है। तो वो खत्म हो जाती है तो उसके लिए क्या है कि जो मैंने नया मिक्सचर बनाने को कहा, ये पांच मिक्सचर, तीन गमला मिट्टी, एक गमला बालू, दो गमला गोबर खाद खाउडंग, एक गमला बर्मी कंपोस्ट, दो चम्मच स्टेनलेस बोन मील, ये मिक्सअप बना के साइड साइड से हल्के हल्के मिट्टी को हटा के वो यूज कर लेना है, वो डाल देना है। इससे क्या है ना कि आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फिर से बरकरार हो जाएगी। और अपने प्लांट में कभी भी अपने प्लांट को हेल्थी बनाने के लिए उसमें फ्लावरिंग मत लीजिएगा, ये एक पहला इंपॉर्टेंट बात है। फ्लावरिंग मत लीजिएगा, जब तक थोड़ा सा प्लांट हेल्दी ना हो जाए तब तक फ्लावरिंग मत लीजिएगा। दो चार ब्रांच पांच ब्रांच निकल जाए उसके बाद फ्लावरिंग लीजिएगा। दूसरा चीज है फंगिसाइड कोशिश करिएगा हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन में एक बार स्प्रे करते रहने के लिए। अपने प्लांट में जिस प्लांट में फंगिसाइड लग गया है तो उसको दूर कर दीजिए और भी प्लांटों से ताकि वो दूसरे में ना चला जाए। और जहां फंगस लग गया ऊपर से काला होके निकल रहा है तो उससे थोड़ा सा और नीचे लेके कट करके उसके नोक पे मोमबत्ती लगा दीजिए या फंगिसाइड का लेप लगा दीजिए या तो फिर नेल पॉलिश उसके ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि जो भी पानी वगैरह जो भी है उसके द्वारा उसके अंदर जाने से वहां से वो कालापन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये कुछ चीजें को आपको यूज करना है। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि अगर आपने जमीन में लगाया तो अच्छा है, और आपने रोज प्लांट खंगर में लगाया है तो सबसे बढ़िया है। खंगर में क्या है, ये गर्मी की वजह से भी हमारी फ्लावरिंग जो भी आप देख रहे हो ना, ये हमारी फ्लावरिंग छोटी है क्योंकि गर्मी अभी भी पड़ रही है। ऐसा मत सोचिए कि ये साइज होती है फ्लावर की, नहीं, आप जानते हैं कि अभी भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इसलिए फ्लावर की साइज छोटी दिख रही है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों और मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि जो आप रोज शो में अपना देखते होंगे कि फ्लावर एक छोटे से गमले में 12 15 इंची के गमले में बहुत सारे प्लांट लगे हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर उस तरह का प्लांट के लिए चाहिए आपको कि किस तरह से करें तो आप अपने नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोग को जरूरत है रोज शो की तरह प्लांट के लिए तो मैं उस पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आप लोग उसको जान के समझ के और उस पर काम करके अपना फ्लावर प्लांट को करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, वो ज्यादातर आप खंगर में लगाएंगे तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि खंगर में आप जो साल भर में काम करेंगे वो छह महीने में आपको उस पर काम आ जाएगा। तो कुछ रोज जो होती है, मैं कुछ रोज के नाम आपको बोलने जा रहा हूँ, सात रोज के नाम। एचटी रोज होता है, डच रोज होता है, ग्रैंडी फ्लोरा होता है, पोलियंटा रोज होता है, क्लैम्बिंग रोज होता है, मिनीचर रोज होता है और फ्लोरीबंडा रोज होता है। एचटी रोज में क्या होता है कि सिंगल सिंगल बड़ा बड़ा पांच इंची छह इंची का फ्लावरिंग आती है, उसे एचटी रोज कहते हैं। डच रोज में इसमें पूरा फूल नहीं खुलता है, हाफ रहता है, लाइक एज इट इज वैलेंटाइन रोज की तरह ये आपको डच रोज होता है। गंडी फ्लोरा में आपको गुच्छे में होता है, बड़े साइज का फूल होता है, मिनीचर की तरह नहीं, मिनीचर से बड़ा और एचटी रोज से छोटा, वो गुच्छे में होता है, उसे ग्रैंडी फ्लोरा कहते हैं। पोलेंथा इसमें 8-10 पत्ती वाला फूल होता है, उसे पोलेंथा वाला होता क्या कि रोज प्लांट में 8-10, ये सब फ्लावर मैं अपने नर्सरी का दिखा रहा हूँ, ये सब आपको दूसरा है।
वो 8-10 पत्तियों वाला होता है, वो मैं फोटो बनाऊंगा ना तो वो फोटो वगैरह मैं दे दूंगा। उसमें 8-10 पत्तियां होती है, वो पॉलियंथा होती है। और क्लाइंबिंग रोज लता वाली आप लोग जानते हैं, सीएलजी जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, सीएलजी रोज जो लता के तारा गेट वगैरह ये सब बनाना होता है। मिनीचर रोज के बारे में ये आप जानते हैं, मिनीचर रोज जो होता है बटन रोज होता है उसे मिनीचर रोज कहते हैं। फ्लोरी बंडा मीडियम साइज में होता है, मिनीचर से बड़ा फूल होता है, गुच्छे में होता है, इसमें 50 से 60 से 100 तक के फूल आता है और गुच्छे में आते हैं, उसे फ्लोरी बंडा कहते हैं। ये कुछ तो ये सब तरह के आपके हिंदुस्तान में पाए जाने वाला, टिकने वाला और लंबे समय तक रहने वाला आपके घरों में ये कुछ ये प्लांट होते हैं। होते हैं तो रोज प्लांट में बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के प्रकार होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि 6 तरह के प्रकार होते हैं, वो सब भी मैं आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताता रहूंगा। और साथ साथ हमारे नर्सरी का आप फ्लावरिंग भी देखते जाइए, मैं सब फ्लावर को तो आपको दिखा रहा हूँ। ये सब गर्मियों में एक चीज जान लीजिए कि आपके फ्लावर की साइज छोटी हो जाएगी, आप जितना भी मेहनत कर लीजिए आपके फ्लावर की साइज छोटी ही रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग करिए क्या कि आप कहीं से भी, चाहे नर्सरी से लेके आए, चाहे अपने पुराने मिट्टी में लगे हुए रोज प्लांटों, मैं आपको अब यहाँ से तरीका बता रहा हूँ खंगर में लगाने का, रोज प्लांट का तरीका बताते जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप कहीं से भी रोज प्लांट लाएं, चाहे नर्सरी से लाइए, चाहे आप अपने गमले में लगे हुए हो वो लाइए। ये देखिए मैं मेरा ये देख लीजिए, ये 18-20 इंची का गमला है। जितने भी हमारे रोज प्लांट लगे हैं सारे खंगर में लगे होते हैं, और खंगर का साइज़ देखिए एकदम छोटी छोटी खंगर होती है। आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं तो खंगर बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का ला के लगा देते हैं, उससे क्या है कि आपके प्लांट बहुत कम धीरे धीरे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जो पानी जो आपको छनते हुए धीरे धीरे नीचे जो जाएगी ना, वो पानी एक झटके में नीचे चली जाएगी। हमारा देखिए सब ये आपको खंगर है, और देखिए खंगर की साइज़ क्या है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे ना एकदम छोटी छोटी खंगर होनी चाहिए और थोड़ा सा ये डस्ट है। आपके एक चीज़ ये जान लीजिए कि अपने प्लांट में किसी भी तरह का गंदगी रोज़ फ्लावर रोज़ प्लांट नहीं बर्दाश्त करता। ये एक शाही परिवार का ये है पौधा है, शाही पौधा जिसको बोलते हैं, तो ये गुलाब है। पौधों में सबसे अव्वल, सबसे जैसे इंसानों में होता है ना राजा और प्रजा, तो उसी तरह पौधों में ये होता है राजा। ये कि अपने साथ कोई भी तरीके का पौधा अपने आसपास अगल बगल बर्दाश्त नहीं करता, और ये बर्दाश्त का मतलब ये नहीं हुआ कि उसे मार देगा, ये खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अपने बर्दाश्त उसको रहने की नहीं कि हम भी रहें और तुम भी रहो उस गमले में, ये नहीं बर्दाश्त करता। यहाँ तक कि ये अपने ही परिवार का, अपने ही बरादरी का गुलाब भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई भी तरीके का आप लोग क्या करते हैं, एक ही गमले में 2 तरीके का गुलाब डाल देते, तो नहीं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम वो 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट की दूरी ही मेंटेन करने को बोलता है। अगर आप गुलाब लगाए हो तो इससे 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट की दूरी पे ही गुलाब लगाएं। अब ये लीजिए खंगर का मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये 6 इंची का खंगर ये गमला है, और कभी भी बाहर से कोई भी पौधा लेके आए तो उसे आपको खंगर में लगाने के लिए 6 इंची का गमला बेस्ट है, क्योंकि वो उसमें सर्वाइव करने का पहला स्टेप होता है। 6 इंची के गमले में आपको एक गमला आपको खंगर लेना है, ये याद रखिएगा। और रोज़ प्लांट आप कहीं से भी मंगाते हो, चाहे हमसे भी मंगाए, तो बेरर रूट खंगर में लगाने के लिए बेरर रूट ही बेस्ट ऑप्शन है। तो ज़्यादा दूरी पे हो तो मिट्टी पे मंगा के खंगर में ट्रांसफ़र करने के लिए पौधे को आपको करना क्या होगा, पानी में डाल के छोड़ना होगा। तो कुछ लोग होता है कि पौधा मंगाने के बाद करते क्या है कि उसको बिना भिगाए बिना धोए उसकी मिट्टी को निकालने लगते हैं, तो उससे क्या होता है ना इसकी रूट से टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बहुत तरीके की बात हो जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि प्लांट डेड हो जाता है, लगाने पर भी वर्क नहीं करता। तो ये सब चीज़ें को ख्याल रखना होगा। आप बेरर रूट हो तो बेरर रूट आप विंटर में मंगाएंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस समय प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और प्लांट अपना बंद पैक में सर्वाइव करता रहेगा। तो हमसे कभी भी बेरर रूट